So guys, this is the outer packaging of this Wink in a Blink eyeliner pen. The packaging looks very very good and good quality. इसके बैक साइड पे गाइस जहां तक की बात है यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स डार्क नाइट 01 वेरिएंट एंड यहाँ पर साथ में इसकी टिप्स लिखी हुई हैं कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशनड है। ऑल्सो गाइज यहाँ पे जैसे नायका के सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं, पैराबिन फ्री, नो एनिमल टेस्टेड, वाटर प्रूफ है, वीगन है, स्मज प्रूफ है, ये सब चीजें मेंशन है। ऑल्सो यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह सब अच्छे से मेंशन है। लाइक दिस बहुत ही ग्लॉसी फिनिश में ही आता है, बिल्कुल जो हमारे व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा की थिकनेस है। ऑल्सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ लिखा हुआ है कि दैट दिस साइड इज फॉर विंग और यहाँ पर बनाया भी हुआ है मार्क। गाइज जो दूसरी साइड की बात है वहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर लाइनिंग एंड ये आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड पे किस चीज के लिए है। अगर हम स्टैम्प देखें तो यू कैन सी कितना प्रिसाइज जो है स्टैम्प इन्होंने दे रखा है, बहुत ही फाइन जो है इन्होंने बनाया हुआ है इसका डिजाइन, जो कि बहुत अच्छे से आपको एक परफेक्ट विंग साइज देने के लिए काफी है। जो दूसरी साइड है गाइज लाइनर वाली साइड है वो आप देख सकते हो कि बहुत पॉइंटेड है, यू कैन सी इसकी टिप ज्यादा जो है मूव नहीं करती है, अपनी जगह पे ही रहती है। आप देख सकते हो मैंने इसको 5 मिनट पहले लगाया था एंड दिस इज गिविंग वेरी वेरी मैट फिनिश। गाइज आप इसको कितना भी रब कर लो आप देख सकते हो ये अपनी जगह पे से नहीं हटता है। फिंगर्स पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हो ट्रांसफर हुआ है बट ये अपनी प्लेस पे से नहीं हटता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी यहाँ पर जो है स्मज नहीं हुआ है, तो प्रूफ है बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस पे वाटर भी इस पे वाटर ड्रॉप्स भी पड़ जाती हैं उसके बावजूद भी ये अपनी जगह पे से नहीं हिलता है, बट डेफिनेटली अगर इस पे वाटर है और इसको आप रब करते हो तो ये हट जाएगा। यू गाइस कैन सी कितना प्रिसाइज जो है ये ट्रायंगल बन जाता है, बहुत ही फाइन है इसकी कॉर्नर्स और यहाँ पर जो है परफेक्ट ट्रायंगल है। दूसरी साइड गाइज अगर आप यूज करते हो यू गाइस कैन सी कितना ब्लैक है ये, अभी अभी लगाया है गाइज, यू कैन सी कितना ज्यादा ब्लैक लग रहा है। ये थोड़ी देर पहले लगाया था तो ये परफेक्टली मैट हो गया, जब आप लगाते हो थोड़ा सा ग्लॉसी लगता है बट अभी आप देखोगे 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही जो है ये ड्राई हो जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको विंग आइलाइनर बनाने में प्रॉब्लम होती थी। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट।